एज एन आईएएस ऑफिसर आप किसको अपना रोल मॉडल देखते हैं? एज एन आईएएस ऑफिसर मैं महात्मा गांधी जी को अपना रोल मॉडल देखता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा जन आंदोलन की बात करी है, जन भागीदारी की बात करी, उन्होंने हमेशा हर मूवमेंट को पीपल्स मूवमेंट बनाने की बात करी है। ये वही सारी चीजें हैं जो आज भी गवर्नेंस रिफॉर्म्स पर फोकस किया जा रहा है। तो आई थिंक गांधी जी इज द परफेक्ट रोल मॉडल फॉर एवरी सिविल सर्वेंट। That's very nice to hear from you, Abhishek. And India, as an IAS officer, आप अपने आप को अपनी duties and responsibilities निभाते हुए क्या society में change देखना चाहते हैं? I think जो next generation आ रही है, उनकी थोड़ी values जो हैं, उनको सुधारना not in the sense, but वैल्यू सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए सोसाइटी का, क्योंकि अगर वैल्यू सिस्टम बहुत अच्छा है तो बाकी सारी चीजें स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस बाय देमसेल्व्स। आपको अगर आप समाज से फॉर एग्जांपल पेट्रियार्की हटाते हैं, कास्टिज्म हटाते हैं, कम्युनलिज्म हटाते हैं, तो आपको उसका इम्पैक्ट दिखेगा इकोनॉमी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, इकोनॉमिक ग्रोथ पे, सोशल कोहेजन पे, हार्मनी पे। तो आई थिंक वैल्यू सिस्टम जो है वो इम्पोर्टेंट होना बहुत जरूरी है, और ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप अगर उस वैल्यू सिस्टम की मिसाल बन के सामने आती है तो नथिंग बेटर देन दैट। ठीक है, एंड आप बडिंग एस्पिरेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैंने अपनी 10th तक की पढ़ाई टुंडला से करी, ये आगरा के पास में एक जगह है, कई लोग इसका नाम भी नहीं जानते होंगे। तो कई लोगों को लगता है कि दिल्ली में आके ही पढ़ाई हो सकती है, बड़े शहरों में रह के ही पढ़ाई हो सकती है, तो मैं तो टूंडला में रहा हूँ हमेशा से, उसके बाद इलाहाबाद 2 साल, और फिर भी मेरी पढ़ाई हो गई, फिर भी ये निकल गया। तो देखिए, मेहनत करिए, आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं एडुकेशन मटेरियल। तो मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आप में हिम्मत है और अगर आप में जज्बा है तो आपका एग्जाम जरूर निकलेगा, चाहे आप कहीं भी। ठीक है, अभी बच्चों का प्रीलिम्स एग्जाम आ रहा है और लगभग खाली 15 दिन बचे हुए हैं, तो आप क्या एडवाइस करेंगे कि इन 15 दिनों में जो अभी प्रीलिम्स आने वाला है, बच्चों को, स्टूडेंट्स को क्या पढ़ना चाहिए? क्योंकि अभी पैनिक हो रहे हैं, हम एडवाइस करते हैं कुछ नया मत कीजिए, रिवाइज रिवाइज रिवाइज, पर नाउ हमसे ज्यादा वो आपकी बात सुनेंगे बिकॉज यू आर रैंक होल्डर। सो व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू सजेस्ट? सर, जो आपने कहा वो बिल्कुल सही कहा, ये मोमेंट कुछ भी नया पढ़ने का नहीं है, ये मोमेंट रिवाइज करने का है, जो भी पढ़ा है, एनसीईआरटी, आपके बेसिक्स, आपके करंट अफेयर्स, तो जो भी बेसिक पढ़ा है, आपने नोट्स बनाए हैं, उन पे भरोसा रखिए, रिवाइज करिए फॉर द नेक्स्ट 15 डेज, और फोकस करिए कि कुछ जो की टॉपिक्स हैं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री, जैसे कि पॉलिटी, जिनसे थोड़ा ज्यादा सिलेबस आता है, उनको एक बार अच्छे से रिवाइज करने इन द नेक्स्ट 3 or 4 days, और तो फिर I'm pretty sure prelims अच्छा होगा, और उन सभी budding aspirants को मेरी तरफ से best of luck. And we are very happy to see you. और सबसे अच्छी बात ये लगी है कि आप जिस जगह से आते हैं, जिस एरिया से आते हैं, आप जमीन से जुड़े हुए हैं, और देश को आपके जैसे IAS officers की सख्त जरूरत है. And we wish you all the very best in your journey towards a successful civil servant. And thank you for making Chahal Academy proud. And आप अभी 3-4 दिन जश्न मनाइए और फिर आप अपने आगे के फ्यूचर की तैयारी कीजिए। Chahal Academy की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you, sir. Thank you. Okay. All the best.